गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 19.3. फर्स्ट सम ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.6 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट इट एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट. अब बेटा बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है कि हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है 8.6 सेंटीमीटर की, उसको इक्वल पार्ट्स में उसको लेना है, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, उसकी मेजरमेंट करनी है. बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है? इक्वल टू इक्वल पार्ट्स में उसकी मेजरमेंट करनी है. अब देखिए, स्टेटमेंट आपने इस पेज पे लिख ली, उसके बाद आपने सबसे पहले लिखना क्या करना है, आपने 8.6 बोला ना, आपने 8.6 सेंटीमीटर की जो है लाइन ड्रॉ करनी है. यहाँ से 8.6 यहाँ पे हो गया, ठीक है बेटा. अब ध्यान से इस सम को समझना. आपने अगर आपको कुछ नहीं बोला, आपने इसको खुद नेम देना है, कुछ भी दे सकते हो, ए बी दे सकते हो. जैसे मैंने इसको नेम दे दिया पी क्यू, एरो नहीं लगेंगे क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है. यहाँ पे आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर. अब आपने ध्यान से एक बात समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. 8.6 का आपने क्या करना है? हाफ करना है. 8.6 का क्या करना है? हाफ. जब हम इसका हाफ करेंगे दैट मीन्स ये आ जाएगा 4.3. आप 86 को 2 से डिवाइड करोगे 43 आएगा, डेसिमल का डेसिमल आ गया. उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें 0.3 थ्री पॉइंट्स प्लस करने हैं खुद से. ये आपके पास आ गया 4.6. सबसे पहले हमने क्या किया, 8.6 का हाफ किया, दैट इज़ 4.3. उसके बीच में हमने 3 पॉइंट्स खुद से ऐड करने हैं, 3 पॉइंट्स ही करने हैं, 2 भी नहीं करने, 4 भी नहीं करने, 3 पॉइंट्स ऐड करने हैं. हमारा आ जाएगा 4.6. कई बार स्टूडेंट्स 4 भी कर लेते हैं, वो भी आंसर वैसे ठीक आ जाता है. मतलब जब मैं आपको समझाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि 3 ही क्यों करते हैं. अब देखिए, हमारे पास आ गया 4.6. अब हमने क्या करना है बेटा, हमने 4.6 स्केल लेना है और हमने कंपास को कितना खोलना है, 4.6. 8.6 भी नहीं खोलना, 4.3 भी नहीं खोलना, कितना खोलना है हमने, 4.6. अब देखिए बेटा 4.6, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना 4.6, इतनी आपने कंपास खोलनी है, ठीक है. ये वाला स्टेप अगर आपका ठीक हो गया, आपका पूरा सम ठीक हो जाएगा. उसके बाद आपने यहाँ से एक बड़ी आर्क लगा देनी है, ठीक है बेटा, पी से, और दूसरी साइड क्यू से बड़ी आर्क लगा देनी है, ठीक है बेटा. ओके, अब देखिए, अगर हम 4.3 ही लेते तो ये आपस में ही जुड़ जाते, ये दोनों जो आर्क्स हैं, ठीक है. और अगर ज़्यादा खुला करोगे फिर ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लाइन लगा देंगे, ठीक है. देखिए अभी मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आई, दैट मीन्स ये अभी मिस्टेक है. आपका भी ऐसे हो सकता है, पेपर में लाइन बिल्कुल सीधी नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, ठीक है. आपका भी ऐसे हो सकता है, आपको पता चल जाएगा कि हमारा गलत हो गया, ठीक है. अब हमने क्या करना है, फिर से इसको ड्रॉ करना है. लाइन जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. देखिए आपका ऐसे, आपका भी मिस्टेक हो सकती है, आपने फिर से उसको इरेज करके करना है. अब देखिए, अब आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे बिल्कुल बीच में से बेटा निकलनी चाहिए लाइन. देखिए अब, देखिए अब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है. जो पहले वाली लाइन थी वो इस साइड थोड़ा सा आगे आ गई थी, पीछे सॉरी, ठीक है. बिल्कुल अब देखिए, अब आ रही है ना, अब दिख रही है ना आपको, बिल्कुल स्ट्रेट है. अगर पहले वाली होती तो मैंने वहाँ से 3 मार्क्स में, अगर 3 मार्क्स का सम है तो मैंने 1.5 मार्क्स काट लेने थे, ठीक है. तो अब आप इसको यहाँ पर जो सेंटर है इसको नेम दे देना आपने, ओ दे दो, ए दे दो, कुछ भी दे दो, ये ज़रूरी नहीं है कि ओ ही देना है. यहाँ पे आप लिख दो, चाहे ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, ठीक है. तो आप नीचे क्या लिखोगे, अब स्टेटमेंट पे आइए. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.6 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया. बाइसेक्ट इट, हमने बाइसेक्ट भी कर दिया. एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, अब आपने जो क्वेश्चन पे आइए यहाँ पे, अब आपने जब इसको पी ओ, ओ और ओ क्यू की लेंथ मेजर करनी है. अगर वो आपकी लेंथ 4.3 आएगी, अगर वो लेंथ 4.3 आएगी तो आपका वहाँ पे चेक हो जाएगा कि आपने जो सम किया है
वो आपका ठीक है या गलत है। देखिए अब मैं मेज़र करने लगी हूँ, और अब पेपर में टीचर भी मेज़र करके ही देखता है, एक तो लाइन देखता है कि स्ट्रेट आ रही है, और दूसरा मेज़र करके देखता है अगर तो 4.3, देखिए ये पूरा 4.3 आ रही है, अगर गलती से 4.4 आ जाती है या 4.2 आ जाती है वो भी ठीक है, बट 4.5 आ गई वो आपके फिर गलत हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा PO, ये PO कितना हो गया 4.3, इन्होंने बोला ना मेज़र करो लेंथ कितनी आ रही है, इज़ इक्वल टू OQ इज़ इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर। अब फिर से एक बार देखो, सबसे पहले हमने एक लाइन ली 8.6 सेंटीमीटर, उसको खुद पॉइंट दिया P और Q, उसके बाद हमने क्या किया 8.6 का हाफ किया जो हमारे पास आया 4.3, उसमें हमने 3 पॉइंट्स प्लस किए 4.6, हमने यहाँ पे कंपस खोली बेटा 4.6 P से और Q से, तो हमने बाद में दो दो आर्क लगाई, फिर सेंटर में लाइन लगाई, यहाँ सेंटर में हमने इसको नेम दे दिया O, ऊपर और नीचे लिख दिया AB, ये AB परपेंडिकुलर किसके आ रहा है PQ के, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लेंथ मेज़र करनी है, PO इज़ इक्वल टू OQ इज़ इक्वल टू 4.3, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फर्स्ट सम हो गया, हम करेंगे सेकंड सम। हाँ जी बेटा, सेकंड सम आप बुक से देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ ए 5.8 सेंटीमीटर। देखिए बेटा हमने क्या किया, 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करनी है, 5.8, ये हो गया 5.8, ठीक है बेटा, ओके। इसको नेम क्या देना है, AB, क्योंकि इन्होंने हमें खुद बोला है AB, यहाँ पे हम लिख दिया देंगे 5.8 सेंटीमीटर। अब आपने अगला स्टेप क्या करना था, 5.8 का हमने क्या करना था बेटा, हाफ करना था, जब हमने इसका हाफ किया ये हमारे पास आ गया 2.9, जब आप इसको डिवाइड करोगे 58 को 2 से, 2.9, इसमें हमने कितने पॉइंट प्लस करने हैं, 3 पॉइंट्स, ये हमारे पास आ गया 3.2, दैट मीन्स अब हमने जो कंपस है वो कितनी खोलनी है, 3.2। देखिए अब कंपस हमने 2.9 नहीं खोलनी, कई बार स्टूडेंट्स 2.9 खोल देते हैं, 3.2 खोल लो, 3.3 भी खोल सकते हो, तो 3.1 ना खोलो, 3.2 या 3.3 खोल लो, उससे ज़्यादा ना बेटे खोलो, अगर 3.3 भी खोल लेते हो वो भी सम ठीक हो जाएगा सबका। अब हमने जैसे 3.2 हमने खोल लिया कंपस, तो देखिए ए से ऐसे आर्क आ जाएगी और बी से ऐसे आर्क आ जाएगी। देखो बेटा देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेट लाइन लगानी, आपको बोला था ना स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो मार्क्स कट जाएंगे। देखिए अब मेरी स्ट्रेट आ गई ना लाइन, थोड़ी सी अभी भी थोड़ी सी है, हल्की सी, जस्ट अ मिनट, हाँ जी बेटा, ये देखिए अब हो गई हमारी बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे अब आप नेम क्या दोगे, O, और यहाँ पे P, यहाँ पे Q। इन्होंने अब ये नहीं बोला कि इसकी जो लेंथ है वो मेजर करो, हम नहीं करेंगे, बट हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे, क्योंकि टीचर ने चेक करना है, आपको पता ना कि टीचर ने ये चेक करना है, तो लेंथ कितनी आनी चाहिए 3.2 के 2.9, 2.9 आ सकती है, 2.8 आ सकती है, 3.0 आ सकती है, 3 आ सकती है, तीनों में से कोई भी आ जाए नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखिए इसकी मेजरमेंट करें, 2.9, अब देखिए ये पूरी ही 2.9 आ रही है, ये भी पूरी 2.9 आ रही है, ठीक है। तो इस इन्होंने बोला है ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर क्या हो गया, यहाँ नहीं लिख दो नीचे PQ परपेंडिकुलर टू AB, अगर नहीं भी लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो इसको एक बार देख लो, नाउ कम टू द थर्ड सम। हाँ जी बेटा, थर्ड सम देखिए, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक मिनट, विद सेंटर एट पॉइंट ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इस लाइन का क्या मतलब है, आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपने 5 सेंटीमीटर की कंपस खोलनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपको पता है ना पूरा जो होता है वो डायमीटर होता है, जो हाफ होता है वो रेडियस होता है,
देखिए बेटा, यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर कंपास को खोलना है, ओके? आपने ये 5 सेंटीमीटर कंपास को खोला और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। कुछ नहीं किया आपने, क्या किया, 5 सेंटीमीटर कंपास खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और सेंटर में लिख दिया ओ, ठीक है बेटा। उसके बाद अब क्या है, लुक एट द बुक, ड्रॉ इट्स कोड ए बी। ए, आपको कोड का पता है ना क्या होती है, कोड होती है सर्कल में। जैसे आपको मैं रफ में बताती हूँ कोड क्या है, जैसे देखिए बेटा ये सर्कल है, कोड क्या है, कोड होती है ऐसे एक लाइन, चाहे वो सेंटर में से गुजर रही है, डायमीटर होता है ना सेंटर में से गुजरना, ऐसे आपने जिसके टू एंड पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर ही, कहीं पे भी कोड ले सकते हो, यहाँ पे ले ली, यहाँ पे ले ली, इस साइड ले ली, सेंटर में ले ली, कहीं पे भी ले ली। अब देखिए जैसे मैंने कोड जो है मैंने सेंटर में ले ली है, आप कहीं पे भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने सेंटर में ली है तो आपने भी सेंटर में लेनी, आप ऊपर ले सकते हो, इस साइड ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, ऊपर ले सकते हो। अब मैंने जैसे सेंटर में बेटा ली कोड, ओके, उसके बाद इन्होंने बोला है ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब हमने इसको लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, ए बी, ये हमारी कोड है, हमने इसको एज्यूम किया कि ये हमारी कोड है ए बी, ठीक है। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है और हमने ये देखना है डज इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या ये सेंटर में से होके गुजर रहा है। अब बेटा हमें पता है मैंने सेंटर में लेने का क्या मकसद था, सेंटर में इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि ये 5 है, तो 5 का हाफ क्या हो गया, 2.5, इजी। उसके बाद 3 पॉइंट्स ऐड किए, 2.8, ठीक है। अदरवाइज कहीं और लेते, हमने उसकी पहले मेजरमेंट करनी थी, अभी हमें पता है कि सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है, ये पूरे का पूरा जो हो गया बेटा 10 हो गया, सॉरी यहाँ पे 2.5 नहीं आएगा, ये 5 और ये 5, ये हो गया 10, ठीक है। 10 का हाफ हो गया 5, 5 में 3 पॉइंट्स प्लस किए 0.3, ये हमने कितनी खोलनी है, 5.3, ठीक है, 5.3 हमने कितनी कंपास खोलनी है, 5.3। एक बार फिर से देखिए, हमारा रेडियस था 5 और ये डायामीटर और जो कह सकते हैं कोड है, ये 10 है, 10 का हाफ क्या हो गया 5, 5 में 3 पॉइंट्स प्लस किए 5.3 कंपास खोलने, 5.3 खोल लो, 5.4 खोल लो, 5.2 मत खोलना फिर बहुत टाइट बनेगा। तो हमने अब कितनी खोलनी है, 5.3 बेटा, ठीक है। तो अब हमने ऐसे सेंटर में यहाँ पे आर्क लगा दी और बी से भी हमने आर्क लगा दी बेटा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या ये परपेंडिकुलर बाईसाइड सेक्टर सेंटर में से होके गुजर रहा है, यस, देखिए बिल्कुल सेंटर में से गुजर रहा है, ठीक है। तो ओ पहले से हमने इसको नेम दिया, इसको पी लिख दो, इसको क्यू लिख दो, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। अब इनका दूसरा क्वेश्चन क्या था, डज इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, आप आंसर लिख के लिख दो यहाँ पे, यस। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 5 सेंटीमीटर कंपास खोल के सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने कोड सेंटर में ले ली, सेंटर जो हो गया फिर 10 हो गया, 10 का हाफ किया 5 आ गया, 5 में 3 पॉइंट्स प्लस किए 5.3 हो गए, फिर हमने 5.3 इधर से आर्क लगाई और 5.3 इधर से लगाई, फिर सेंटर में लाइन लगा दी। तो इन्होंने यह क्या पूछा था कि क्या वो लाइन सेंटर में से गुजर रही है, हम नीचे लिख देंगे यस। बेटा टुडे वी विल डू अप टू दिस, टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट।